Very few people have seen this side of you, the real analyst in terms of watching minutest details. सब कोई मुझे कह रहा है ड्यूक्स बॉल प्लीज थोड़ा सा समझाइए मुझे और मेरे व्यूअर्स को कि ये जो ड्यूक्स एसजी और कुकबुरा यहाँ पे ड्यूक्स इसका खासियत क्या है, डिफरेंस क्या है और इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, थोड़ा सा डिटेल में बोलिए। देखिए, ड्यूक्स बॉल जो होता है, जो शुरू में उसके ऊपर लैकर होता है और वो काफी हार्ड होता है। उसकी सीम मैं कहूंगा कुकबुरा बॉल जैसे, इसे प्रोनाउंस नहीं होती, कुकबुरा की सीम लिटरली ऐसे होती थोड़ी बहुत, और जैसे ओवर्स चले जाते हैं तो वो सीम थोड़ी दबती जाती है और थोड़ी फ्लैट होती है ऐसे। मगर ड्यूक की उतनी प्रोनाउंस नहीं होती, मगर वो वैसे रहती है। मुझे नहीं लगता कि ड्यूक की सीम इतनी फ्लैट हो जाती है कि बॉलरों को जैसे चाहिए वैसे हेल्प नहीं मिलती। शुरू में ड्यूक बॉल पे जो लैकर होता है उसे निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपने देखा होगा कि शुरू में बॉल हार्ड रहता तो वो बाउंस होता है, कैरी होता है, मगर जितना चाहिए उतना स्विंग कंसिस्टेंटली कुछ टाइम के बाद होने शुरू होता है ड्यूक बॉल, जब लैकर थोड़ी देर में निकलने लगता है बॉल के ऊपर से। और ड्यूक बॉल को शाइन करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू एनी अदर बॉल इन द वर्ल्ड। कुकाबुरा का बॉल उस पे भी थोड़ा शाइन होता है, शुरू में जो लैकर होता है वो निकलते ही, बाद में कुकाबुरा बॉल को शाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू ड्यूक। ड्यूक बॉल पार्शली मैं ये भी कहूंगा क्योंकि ड्यूक बॉल से इंग्लैंड में खेलते तो इंग्लैंड में तो वैसे ही बॉल स्विंग होता है, तो वो एक फैक्टर ऐड कर जाता है, मगर ड्यूक बॉल कंटिन्यूस टू स्विंग टिल दी एंड। मैं कहूंगा थोड़ा स्लो जाएगा ऑफ द सरफेस, थोड़ा स्लो जाता जाएगा मगर बॉल स्विंग करता रहेगा। स्पिनर को भी अगर इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ द बॉल तो आप अगर देखोगे तो कंपेयर टू एनी अदर बॉल मुझे लगता है ड्यूक बॉल में थोड़ा ज्यादा बाउंस भी होता है, जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसमें हल्की, मैं कहूंगा कि थोड़ी स्प्रिंग एक्शन टाइप होती वाह है, हल्का बाउंस कर जाता है। ये हमने यहाँ भी जब मैं प्रैक्टिस करता था तो हमने कंपेयर किए हुए सारे बॉल्स और क्या होता है सारे बॉल्स के साथ, तो मैं कहूंगा कि ड्यूक बॉल को थोड़ा बाउंस ज्यादा मिलता इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि बाकी लोग ये बाकी सारे बॉल से प्रैक्टिस करके कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप ही करोगे, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। सचिन, लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस बिफोर आई लेट यू गो। वन अगेन हैज टू बी ऑन पुजारा। नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल हैव कॉल्ड इन द न्यू वॉल बट ऑफन टाइम्स वी हैव बीन क्रिटिकल ऑफ हिज स्ट्राइक रेट एटसेट्रा। थॉट्स ऑन पुजारा? He's a fantastic player. I really like his batting, and he's as important as anyone else in the team, our test team. He's magnificent. His temperament is brilliant, and he proved that in Australia. You know, when you had to play out those maiden overs and fight it out, he was there. You know, so not all players are going to bat like Rishabh. You know, there are players who bat. You know, someone like Pujara batting at number three, his role is different. So if Pujara was batting at number seven, then I would say, oh yeah, it doesn't suit. He has to play differently. But Pujara is batting at the right spot, number three. So his role is different. Yeah. And then you need to see that what kind of foundation Pujara is building for the rest of the guys, so that the rest of the guys can go and capitalize on what Pujara has been able to do. And the openers. So it's not about the strike rate. Yes, occasionally there are batters you know who get bogged down, and Pujara is no exception. He's as vulnerable as anyone else in the world, or as strong as anyone else in the world. And that is all sportsmen, all athletes have to go through ups and downs. So let us not judge him every match. You know, if he's blocked few deliveries, suddenly people should not start saying उसका strike rate बढ़ना चाहिए. No, it doesn't matter. He's not playing a T20 match, or neither is he playing a 50 over ODI. He's playing test cricket. So what he brings to the table as number three batter eventually matters. वो Absolutely. मैंने कहा कि it is not ball by ball, over by over. आप 5 दिन में देखो कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है और उसका इंपैक्ट बाकी बैट्समैनों पे क्या रहा है।